एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम लेकर आए हैं एक स्वीट सैंडविच, न्यूटेला और बनाना सैंडविच, जो खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। और वही फिर त्योहार का सीजन है, फेस्टिवल है, तो कुछ मीठा हो जाए। उसके लिए हमने ली है ब्राउन ब्रेड, जो भी आपके पास हो वो ले सकते हैं। मैंने 4 पीस लिए हैं। न्यूटेला है जो बच्चे बड़े सब पसंद करते हैं, बटर रूम टेम्परेचर पे है। एक बनाना लिया है और मैंने ये 5 स्टार ली है। इसको हम ग्रेट करके यूज करेंगे। तो आइए बनाते हैं यम्मी से सैंडविच। तो ये हमने बनाना की ना स्लाइस कर लिए हैं। अब गोल कर लीजिए, जैसे मर्जी आप स्लाइस कर लीजिए। अब हम ये ब्रेड लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे बटर, जो रूम टेम्परेचर पे है ना बटर, वो यूज करना है, क्योंकि नहीं तो लगाना ना मुश्किल हो जाएगा। लेयर आप कितनी पतली कितनी थिक लगाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये लगा लिया हमने बटर, और इसके ऊपर लगाएंगे हम ये न्यूटेला। अच्छी सी थिक लेयर लगाएंगे ताकि खाने में जो है वो टेस्टी लगे। ये अच्छे से न्यूटेला लग गया है, और इसके ऊपर अब हम ये बनाना के पीसेस रखेंगे। बहुत यमी ये सैंडविच लगते हैं, बनाकर जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। ये देखिए, इस तरह से हम इसमें लगा लेंगे। और क्योंकि चॉकलेट जो है वो हमारी फ्रिज से बाहर थी, रूम टेम्परेचर पर थी, तो बहुत अच्छे से वो ग्रेट नहीं हुई है, पर आप इस तरह से उसके पीसेस जो है वो कट करके डाल सकते हैं इसके ऊपर चॉकलेट के। मैं आपको दिखाती हूँ अभी डालकर। इस तरह से आप छोटे छोटे पीसेस बनाना पे लगा सकते हैं, या चोको चिप्स वगैरह अगर आपको हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से आप इसको कवर करेंगे, हर बाइट में आपके ये पीस आए, और ऊपर से हम दूसरे स्लाइस से इसको कवर कर देंगे, और दोनों तरफ बटर लगा के हम इसको सेकेंगे। और ये देखिए, हमने दोनों तरफ बटर लगा लिया है इसके, और इस टाइप से हम रख देंगे। यहां मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने ऊपर भी न्यूटेला लगा दिया है इसके, तो दोनों तरफ ब्रेड पे न्यूटेला लगाया है। और इसको हम, तवा गरम हो चुका है, इसको अच्छे से ब्राउन करेंगे हम दोनों तरफ से। और अब हम इसको पलटेंगे ध्यान से, और ये देखिए कितना क्रिस्पी है ये, क्योंकि बटर लगाया है आपने, तो देखिए चारों तरफ से कितना क्रिस्पी है। हल्का सा इसको प्रेस करते हुए दोनों तरफ से सेकेंगे, और यकीन मानिएगा ये बहुत बहुत टेस्टी यमी आपको लगेगा सैंडविच। तो इसको भी सेक लेते हैं, दूसरी तरफ से ब्राउन करने के बाद आपसे मिलते हैं। चेक कर लेते हैं, यस देखिए कितने क्रिस्पी ये सैंडविच बनकर तैयार हैं। और मैं यहां आपको इसकी आवाज सुनाती हूँ, देखिए है ना यम्मी। तो ये करते हैं इसकी प्लेटिंग, और तब तक हम ये दूसरा सैंडविच भी रख देते हैं। आप इस तरीके से ना बनाना के साथ बना सकते हैं, बीच में ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। बट अगर आपके घर में न्यूटेला रखा है, और बनाना बटर सबके घर में होता ही है, ब्रेड लीजिए और ये मजेदार सा स्वीट सैंडविच तैयार कीजिए। और ये दूसरा सैंडविच भी हमारा तैयार हो गया है, तो कट करते हैं। आवाज सुनिए आप, कितना बढ़िया ये है, आवाज आ रही है, और बढ़िया सैंडविच बनकर तैयार है। इसको हम केले के पीस को थोड़ा अंदर करेंगे, और ये देखिए क्या यमी सैंडविच है, खाने में तो बेहद बेहद टेस्टी। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। करते हैं इसकी प्लेटिंग, और ये देखिए यमी से लगने वाले ये सैंडविच आप ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत बहुत टेस्टी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।